नाना के पास, दास के वहाँ मामा जी हैं, तो वहाँ देखा, वहाँ कथा सुनी उनकी कि एक डेरा बना हुआ गीसा पंथियों का। गीसा आदरणीय गीसा साहेब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया है, कुछ वाणी भी बोली है। उन्हीं का एक शिष्य था, तो उन्होंने उस अपने आदरणीय गीसादास साहेब जी की शिष्यता हो गया, लेकिन वचन नहीं माना उसने, अपने हिसाब से हठयोग करता रहा। नेकी राम नाम था उनका, नेकी राम जी। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हठयोग करके, दिन रात सोए नहीं। वो उस गांव में आकर बैठ गया बनी में, और साधु रूप में एक लंगोट बांध रहा, बस नो अवधूत रूप में बैठा। गांव के नगर के लोग जाते हैं, देखते हैं कि महाराज तो दिन रात सोता नहीं। एक न देखा, फिर छुप के देखा, देखते रहे 10 दिन 20 दिन 25 दिन, देखा कि सचमुच ये कभी सोता ही नहीं। इस बात से प्रभावित हो गए और उड़ा बना दिया उसका आश्रम, गाड़ दिया लठ। बता ना सोए के हो गया, किला टूटिया ना सुनते हैं। ये सिद्धि प्राप्त कर ली, इसी से महात्मा पाक गया, ना जाने कितनों को और बर्बाद कर गया। तो कहते एक सिद्धि निस्वासर जाग गए, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक समय एक संत ने साधना की, इनके पिछले पुण्य साथ होते हैं, वही भक्ति के लिए घर गांव छोड़ कर जाते हैं बिना ज्ञान के, और इनके पिछले पुण्य डिपॉजिट होते हैं ऊपर। तो ये कोई ऐसी सिद्धि कर लेते हैं तो इन्हीं के पुण्यों से उनको वहाँ सर्वेंट मिल जाते हैं, आध्यात्मिक सर्वेंट, ये प्रेत रूप में सामने खड़े हो जाते हैं आकर के, और इनसे फिर वो अपने किसी को किसी में प्रवेश करा देते हैं। फिर वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं वहाँ लेकर चलो, फिर वहाँ अब पे फिर वो ठीक कर देते। इस तरह की भी इनके झाड़ फूँक का धंधा चलता है। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब ना जाई। एक सिद्धि ऐसी है कि जल का ऊपर का चला जा, डूबे नहीं, जैसा भी आपको बताया था उसने ये सिद्धि कर रखी थी। एक सिद्धि ऐसी है कि जल के अंदर प्रवेश करके बाहर आओगे तो सूखे पैर मिलेंगे, जल उनका टच नहीं होता। एक ऐसा ही रोहतक जिले के अंदर, अब वो शायद सोनीपत में आ गया, सिसाना गांव है रोहतक से सोनीपत रोड खुरखोदा साइड में, उस सिसाना गांव में वो गीसाई पंथी था। वो भी ये सारे उस नेकी राम की ब्रांच बन गई फिर वो आगे। उसके पास एक सिद्धि थी कि वो तालाब में जा करके वापस आ जाता है तो पैरों का गारा और जल नहीं लगता। इस सद पर वो पा गया और देखो उड़ा रोड के ऊपर इतना बड़ा आश्रम गाड़ रखे है उसका, उसको नारायण महात्मा कहने लगे, नाम कुछ और था उसका। तो परमात्मा लास्ट में ये कहते हैं कि एक सिद्धि वो चोलेदार है, कई रूप बना लेते हैं, वहां भी देखा वहां भी देखा, तो कहते ये भी व्यर्थ है। 24 आंख उन्ना जल चावे, सोहंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटराणी सतलोक की को निशानी। कहते उस कबीर परमेश्वर जी के पास वो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि माने सब सिद्धियों की माँ, यानी पूरा सटोक सटोर असंख्य सिद्धि मालिक के पास है। यहाँ इस काल के पास अष्ट सिद्धि है, ओनली 8 सिद्धि है, और ये भगवान बता रहे हैं कि हमारा हमने जो आपको मंत्र सतनाम दे रखे हैं इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगे आप में, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लग गए। आप जैसे भगत 2-3 वर्ष आपको नाम लिए हो जाएंगे और आप किसी को आशीर्वाद देने लग जाओगे ना, उसको लाभ होने लग जाएगा आपसे, लेकिन आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना भूल के भी। आप देखते हो कई गांवों में झाड़े लाते हैं, उससे कुछ राहत मिल जाती है। वो पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी है, कभी सद्धि साधना की थी उसने भक्ति, और वो कुछ डिपॉजिट ईब रह रहा है, ईब लाग रहा नाशकरण झाड़े ला ला के,
और फिर वो गधा बनेगा उसका, फिर वो किसका झाड़ी लाओगा, कुमार लाओगा झाड़ी, उसका लठ मारेगा कमर पर। तो पुण्यात्मा इस अध्यात्म ज्ञान को समझना पड़ेगा, सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे आश्रित होकर, किस बात पे? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान है, साधनाओं की विशेष जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध हैं। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में मंत्रों में बताया है, उसमें बताया कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ये साधना करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई हठियोग करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई योग अभ्यास करता है, योगासन। कहते हैं वो अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जान कर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की साधनाओं की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, अपने मुख कमल से ब्रह्मणे मुखे, और वो तत्व ज्ञान है उसमें विस्तार से लिखी गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का। अब गीता ज्ञानदाता भी उस परमात्म तत्व के यानी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अब उसने कहा साथ में जाके 29वें श्लोक में कि जो मुझ पर आश्रित हो कह, मैं जो कह रहा हूँ इस ज्ञान को आधार बना कर तत्वदर्शी संतों से वो मिल लेता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो मम मेरे ज्ञान के आश्रित होकर के, और जो जरा मरण मोक्षाय यतंतीते, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उसी के लिए साधना करते हैं, संसार की और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, वे तत्परम विदु और अखिल अध्यात्म, वो पूरे अध्यात्म को जानते हैं और सब कर्मों से परिचित हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, और वो तत्परम से परिचित हैं, वही जरा और मरण के लिए प्रयत्न कर रहे छूटने के लिए अपने आत्मा। फिर 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता स्वयं बता रहा है वही कोई और है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करनी है मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, यहाँ शांति नहीं हो सकती, और मेरी साधना करनी है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम, माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, केवल ये ओम एक अक्षर है, और उच्चारण करके स्मरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम जो श्री छोड़कर जाता सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति, यानी ओम से जो कुछ भी सुप्रीम अंतिम राहत मिलनी है वो प्राप्त हो जाएगी, वो क्या होगी? ब्रह्म लोक प्राप्ति होगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये जन पुनरावर्ति में वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ तो शांति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए गीता नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी स्थिति बताता है मेरी भक्ति कर ओम नाम ते और मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी करना पड़ेगा भाई, युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 तीन मंत्रों में श्लोकों में तुरंत कहा है कि उस परमक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसको प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करनी है तो उसको मिले, वो मिलेगा आपको, और मेरी करेगा तो मेरे पास रहेगा, ये नियम है। अंत समय में जिसमें जिसकी भावना रह जाएगी, आस्था रह जाएगी, उसी को प्राप्त होगा। उसके लिए उसका मंत्र बताऊंगे तत्वदर्शी संत, और संकेत बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में उस ब्रह्मणे परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, ओम तत् सत, ये तीन मंत्र की साधना है। ओम त ब्रह्म का सर्वपुरुष का, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं सर्वपुरुष अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष,
सर्वपुरुष तो ये ब्रह्म है, इसका ओम नाम है, ओम तत् सत। तत् ये अक्षर पुरुष का है, ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है, और अक्षर पुरुष का, परम अक्षर पुरुष का जो है वो सत है। ये तत् और सत तो सांकेतिक है, कोड वर्ड ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और इस दास से परिचित होकर उपदेश लेकर कोई अपने आप संत बन गया, नाम देने लग गया, वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। आप समझदार हो, इस बात को खूब समझते हो कि अनधिकारी से तो आप एक लाइसेंस बनवा के दिखा दो, वो कहीं चलेगा नहीं, आप भी अंदर वो भी अंदर, लास्ट में जब पकड़े जाओगे, पकड़े जब जाओगे, जब यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे, तो कोई भी आज इस दास के अतिरिक्त परमात्मा ने किसी के ऊपर ये मेहर नहीं की। हाँ, पहले महापुरुष मिले थे जिनको, उनको भी ये शरीर सभी नाम दिए थे, उनका कल्याण हुआ, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी इस मंत्र का को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई पुण्यात्मा, जहाँ आपका जन्म है, प्रथम पीढ़ी में परमात्मा स्वयं आए थे, प्रथम चरण में कलयुग के। अब ये बीच की पीढ़ी है, लास्ट की पीढ़ी नास्तिक हो जाएगी बिल्कुल, जो अपार हो गए सो हो गए, ये हजारों वर्ष चलेगा, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा का ये मार्ग, एक पूरे विश्व में बहुत शांति होगी, हाहाकार या माया की दौड़ लग रही है, यह खत्म हो जाएगी, शांति से सब भक्ति क्रिया करेंगे, चोर उचक्के ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम परिचित हो जाएंगे। अगर किसी की आज हम चोरी करते हैं, अगले जन्म में गधा बनकर देना पड़ेगा, कौन समस्या मोल लेगा? अनजान बच्चे जिनको ज्ञान नहीं, वही बिजली के नंगे तार को छूते हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि वो ओम तत् सत का 3 मंत्र का जाप है, और वो बताओगा तत्वदर्शी संत, मैं नहीं परिचित उससे, उसकी भक्ति करनी है तो उसी को प्राप्त होगा, उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले, फिर वो जैसे बताए तू ऐसे कर ले। अब वो ना अर्जुन ने बेरा ना वो बतावे, तो अर्जुन ने आखिर में हार मान ली कि भगवान मैं आपकी जैसे कहोगे न्यू कर लूँगा, कर लेगा ठीक से, तू वहीं का वहीं रहा। तो कहने का भाव ये है कि हमने उस तत्ब्रह्म से और इस सारे कृत्रिम अध्यात्मते यानी सारे अध्यात्मते और अखिल कर्मों से, इन सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा, और उस तत्ब्रह्म से, इनसे परिचित कराने के लिए आपको ये तत्व ज्ञान सुनाया जाता है सत्संग में बुला के। अपने आत्मा सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना है, और किस परमात्मा की भक्ति करें, यानी किसी से आप जाओ, कोई संत है, सभी कहते हैं बदले रे भगवान तेरा काम आओगा, सभी कहते हैं कि भक्ति कर ले भाई, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। फिर नाम क्या है? हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, बताओ ये नाम दे। कहते गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता पढ़े और गीता में मंत्र के बता रखा केवल ओनली वन ओम, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, उससे वो खुद परिचित नहीं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए और उनसे वो मंत्र प्राप्त करके फिर उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, परम अक्षर ब्रह्म को, परम दिव्य पुरुष यानी उस मूल रूपी भगवान, जड़ रूपी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। और उस परमात्मा के जहाँ जाने के बाद लौटकर फिर संसार में कभी प्राणी नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी जानकारी दे रहा है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते और ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मैं इनका आदि कारण हूँ। तो पुण्यात्माओं, संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जान सकता, और
पिता की उत्पत्ति को पिता का पिता यानी दादाजी बता सकता है। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है। अपना आत्मा परमात्मा ने स्वयं आकर के अपना ज्ञान दिया और हमारे सदग्रंथ भी स्थान स्थान पर ये प्रमाणित करते हैं, लेकिन उन सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पास ये सृष्टि रचना रूपी या मास्टर की नहीं थी या मास्टर चाबी नहीं थी हमारे पास। ये सृष्टि रचना जो है पूरे अध्यात्म मार्ग को समझने की एक मास्टर की समझो, और जब तक ये नहीं समझ पाओगे इतने हम किसी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। अब जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी ने कहा, तो इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नाशवान है, इसका जन्म मृत्यु होता है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। और फिर श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में ये 26 पृष्ठ पे खुद कहता है, अपने आत्मा इस पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराना आपको दास का उद्देश्य है, और यही सदग्रंथ बताते हैं कि जब तक उससे पूर्ण परिचित नहीं होते तो तुम भक्ति पर नहीं लग सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी यानी दृढ़ हो जाएगा तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्रारंभ करेगा, स्टार्ट होगी तेरी भक्ति जब दृढ़ भक्त बनेगा। तो आपको दृढ़ भक्त बनाने के लिए ये अध्यात्म ज्ञान जो कृष्णम अध्यात्म यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान आपके रूप रूप रहा जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा लिंक इससे संबंधित हो गया। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संपादक हनुमान प्रसाद पोदार इसके 26 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पे झगड़ा हो गया विद्वेश्वर संहिता, वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप, ये 24 पृष्ठ से होता। तो इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल ब्रह्म ने जो एक अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर लिंग इसको बाद में शिवलिंग कहने लग गए। फिर ये युद्ध करके खड़े हो गए, फिर वो खुद आकर प्रकट हो गया शिव रूप में यानी सदा शिव रूप में, जैसे ब्रह्मा विष्णु को मिला तो शिव रूप में प्रकट हो जाता, ये ऐसे लीला करता है। अब 25 नंबर पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लिंक है इसका, गीता प्रेस गोरखपुर से है विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं यह हम दोनों को बताइए। शिव भगवान शिव बोले ये काल प्रकट हो गया ब्रह्म शिव रूप में इनको धोखा देने के लिए, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। सुनो आगे बताती हूँ, ये 26 पृष्ठ है। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है ये काल ब्रह्म पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। अब परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी कह निरंजनमय ही करता भाई, ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप स्वरूप यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर में ने दो अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। आगे देखो ऐसे सिद्ध हो गया कि यहाँ ये पुराण का वक्ता जो है पुराण जो बोलने वाला है ये ब्रह्मा विष्णु से और रुद्र और महेश से न्यारा है, ये ब्रह्म है ये काल है। यहाँ देखिए ये क्या कहता है, इसी पृष्ठ हम 26 पढ़ रहे हैं,
संक्षिप्त शिव पुराण विधवेश्वर संहिता, ये देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है, सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर श्रवण करने से मेरा ही श्रवण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये पांच हैं, एक तो पश्चिम वाले मुख थे, एक तो उत्तर वाले मुख थे, एक पश्चिम काले मुख थे, दो तीन और चार और पांचवा बिंदु। ये मध्य तथा उत्तर वाले मुख से बिंदु और ये पांचवा ये नाद। तो इस प्रकार ये पांच हो गए, एक उकार मकार और आकार, आकार मकार उकार और मकार और बिंदु और नाद, ये पांच हो गए। इस प्रकार पांच अयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया और ये मेरा मंत्र है। ये कहता ये मेरा मंत्र है ओम एक अक्षर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये काल ब्रह्म बोल रहा है शिव रूप में खड़ा होकर के। इन्होंने ये नीचे लिखा है कि ओम नमः शिवाय, ये पांच अक्षर का मंत्र है, ये गलत लिखा है, मूल संस्कृत में कहीं नहीं है। अब हमने ये देखना कि ये जो ओंकार नाम जिसका ओम मंत्र है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये कृष्ण के अंदर प्रवेश करके श्री कृष्ण में बोल रहा है गीता जी को, ये यहां भी ये कह रहा मेरा ओम मंत्र है। अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल बोल रहा है और श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोल रहा है और ये कह रहा है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, एक अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस प्रकार जो अन्य साधनाएं बताते हैं इस मंत्र को छोड़ के, कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े, गीता में कहीं लिखा हरे कृष्ण 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 हरे राम लिख रखा कहीं, फिर गीता जी को पढ़ किस लिए रहे हो? और लोक वेद को आधार बनाए हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। हमने अपने पुण्य सदग्रंथों को पुनः संभालना पड़ेगा। इवे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है ना गति होती है और ना उनको कोई सिद्धि यानी प्राप्त होती, क्योंकि सिद्धि हमें सतलोक लेके जाएगी, हमने उसको दुरुपयोग नहीं करना, तो उसको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, उसका कार्य जो उद्देश्य लेकर आया है वो सिद्ध नहीं हो पाता। और 24वें श्लोक में कहा इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो सदग्रंथों में लिखा वही मानना, आज पुण्यात्मा जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं हमने इस अनुसार साधना करनी पड़ेगी। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं सबसे पहले हमें इस कंप्लीट जो संपूर्ण धात्म ज्ञान से परिचित होना पड़ेगा और तत्परम से परिचित होना पड़ेगा, वो कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1-2-3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक,
और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8-9 में ये स्पष्ट किया हुआ है परमात्मा कैसी लीला करता है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि वो परमात्मा कौन है और कैसी लीला करता है। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी वो परम अक्षर ब्रह्म, जैसा कि वो तीन स्थिति से अपनी लीला करता है, उनमें से जो एक लीला का जो उनका वे है, तरीका है, एक बालक रूप धारण करके प्रकट होते हैं। सन 1398 संवत 1455 और ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उत्तरते की पूर्णमासी, उस पूर्णमासी को, पूर्णिमा को परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आए और वहाँ प्रकट हुए। अपने आत्मा साथ के साथ आपको सदग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है, दास का एक कर्तव्य बनता है। आपको शिक्षा इसलिए परमात्मा ने दिलाई है कि आप परमात्मा पहचान लो, न इस रोजी रोटी के लिए इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं थी। पहले हमारे पूर्वज थे अपना सिंपल वे से कच्चे झोपड़े डालकर मकानों में गुजारा करते थे, 20-20 10-10 पीढ़ी ऐसे पार होगी निकल गए यहाँ से कब टाइम पास करके। और जब से ये शिक्षा मिली है हमें, इस भौतिक सुख तो गणा दिख है पर दुख टेंशन बिना गिनती की होगी। अब इसको देना अनिवार्य था नहीं, पहले परमात्मा ने ये विष आपके ऊपर नहीं आने दिया। अब इसलिए ये शिक्षा आपको, इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा ये इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है कि हम भगवान पहचान लेंगे अब बस, और बाकी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और कोई IAS IPS बन गए, ये तो पेट का रोला सारा। इसके लिए इसकी जरूरत हमने नहीं थी, अपना दो रोटी चाहिए थी आराम से और सिंपल वे से रहता वो जीव सुखी है। इन कोई भी सुखी नहीं प्राणी, चाहे कितना या बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सुख नाम की चीज नहीं उनके पास, क्योंकि हमें पता नहीं। परमात्मा ने हमें बताया कि 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है, कहते भूल लाग रही हो तुम्हारे। लेकिन ये शिक्षा जो मिली है इसका उद्देश्य ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अपना पीछा छुटवा लेंगे और वहाँ चले जाओगे जहाँ जरा और मरण नहीं होता, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, वहाँ पर मृत्यु नहीं होती। तो फिर हम वहीं ना रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जब तक कितना सुखी है आपके पास, बच्चे भी हैं, संतान अच्छी है आपकी और खूब, यहाँ संसारिक भौतिक सुख भी है, कल मृत्यु हो जा, भक्ति बिना अगले दिन गधा बन गया, बता चाट ले उस ठाठ ने जो छोड़ के चला गया, के काम आया आपके। तो परमात्मा कहते हैं हम जब मृत्यु तो होगी होगी, ये परिवार भी आपके साथ नहीं जाओगा, ठीक है इसमें रहते हुए बच्चों को भी इस मार्ग पर लगाओ, इसी सीढ़ी पर चढ़ा दे उनको भी, और आशा करे कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हे भगवान, सपने में भी नहीं सोचा फिर जन्म हो मेरा, आया फिर जन्म हो गया या दुरुक्ति फिर शुरू है, जो ई सफर कर रहे हो आप, ना जाने कब ये पूरा हो जा, कब छोड़ कर जाना पड़ जा। ऐसी कैर में हम रह रहे हैं, हरकत कति निश्चिंत ठाठ बना रहे हैं, नाचें कूदें भंगड़े पावे ऐसे गंदे लोक में, और नाचन कूदन का गाने सुने फिल्म देखे, ये कैसी रुचि बन जाती है आप लोगों की। फिर आपका छींट नहीं लाग रही इस ज्ञान की, आपने समझा नहीं इस परमात्मा क्या कहने आए थे हमारे लिए, तुम कहाँ पड़े हो और निकलो यहाँ से, फिर हमारा छींट नहीं लगी अभी तो, हमारे गहराई से जख्म बनना चाहिए अंदर शरीर में, आत्मा में, कि हम कहाँ रह रहे हैं। नानक साहब जी से पूछा था कि आप यहाँ हमेशा मायूस से रहते हो, तब उन्होंने कहा था भाई मायूस क्यों ना रहना, जाने यहाँ के बिजली पड़ जाए एक मिनट में, ना जाने काल की कर डारे किस विधि डर जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उनानू केड़ा हासावे। एक विवाह हुआ, विवाह की तैयारी थी, लड़के वाले नौचे कूदन डीजे ला रखे, बहुत मस्तार रखा, अगले दिन बरात जावे थी, 20 किलोमीटर गए थे अपने शहर से, वहाँ दुर्घटना होगी, दुल्हा भी मर गया और 5 और मर गए। पहले दिन तक डीजे बाजे नाचे थे, अगले दिन समाचार पेपरों में उनकी रोते हुए बिलखते हुए की चित्र देख के आत्मा रो रही थी कि भगवान हे परमात्मा बड़ी आँख खोल ली आपने हमारी। कहते ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे,
पर जिन्हा ते सिर ते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हादसा वे एक सैकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा और या नच कुद फंड करे तो बिना ज्ञान के नशे में आदमी ऐसी गलती कर सकता है। कबीर ये माया अटपटी सबगट आन अड़ी और किस किस ने समझाऊं या कुए भांग पड़ी। तो अब ये भांग को उतारने का एंटीबायोटिक कैप्सूल ये प्रवचन और ये ज्ञान ये मंत्र रूपी औषधि आपको कानों के माध्यम से प्रवेश की जा रही है। तो इससे जब पता चलेगा अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे तब हम सफल होंगे। अब हमने ये देखना है कि वो परमात्मा जिसकी हम खोज कर रहे थे और जिसकी लीला हम कहाँ मानते थे, वेदों में, गीता जी में और पुराणों में, तो अब वही सदग्रंथ हम खुद पढ़ रहे हैं। अब हम खुद पढ़ रहे हैं और पढ़ का अपने निर्णय कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है जिससे हम सब सदग्रंथों को समझ सकते हैं। वो हमारे पास कुंजी है, वो सृष्टि रचना जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई थी 600 वर्ष पहले कि ऐसे ऐसे आप वहाँ रहा करते थे सतलोक में, वहाँ आपने गलती की थी, काल ने तप किया था, तुम उस पर आसक्त हो गए, भगवान से मन हट गया, इसके साथ आ गए और यहाँ फिर इसने तुम्हारे को दुखी इसलिए कर रखा है कि वो परमात्मा दुखी होगा जितना मैं इन न सताऊँगा। हमें जितना ये दुखी कर सकता उतना कर रहा है ये, और क्योंकि हम इसके नहीं हैं, हम अपने कबीर भगवान के बच्चे हैं। अब वो रोता है हमारे लिए क्योंकि हम उसकी आत्मा हैं, गलती करके आ जरूर गए लेकिन उसको भी दुख है। जैसे किसी की बेटी बिगड़ जा, लड़का बिगड़ गया और नालायक लड़के तो ब्याह कर लिया उस लड़की ने, फिर वो उसको तंग कर रहा है माता पिता के ऊपर के होकर, फिर वो माता पिता फिर भी रो रहे हैं मेरी बेटी दुखी हो रही है, वो चैन से नहीं रह सकती। तो वही स्थिति हमारी यहाँ पर है। तो ये इतना दुखी कर रहा आपको कि हालत कर रखी आपकी, जीना छोड़ रखा है और हम फिर भी यही सोचते हैं कि ना ऐसा ही जीवन होगा, ये तो नरक भोग रहे हैं। चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों ना हो, 36 बीमारी पावेंगी, टेंशन 100 की 100, घर में कोई और बीमारी पैदा हो रही होगी, ना जाने की घटना घट रही। तो कहने का भाव ये है हमने इस सारे अध्यात्म को समझना और फिर हमने उस भगवान को पहचानना है और जिस परमात्मा के विषय में ये कहा जाता रहा है कि वेदों में उस भगवान का ज्ञान भरा पड़ा है, उसकी जानकारी है। वो क्या जानकारी वेदों में देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसका 9वें मंडल का प्रथम सूक्त पढ़ेंगे, ये 9वां मंडल 9वां मंडल। अब यहाँ से थोड़ा सा ये देखना है कि इन्होंने, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते रहे इसलिए आगे चल के थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की है, उसको यहाँ से पहचाना जाएगा। एक नंबर मंत्र है मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 का मंत्र 1, इसमें लिखा है कि हे परमात्मन, ठीक, यानी परमात्मा की जानकारी है ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 2 पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा कि हे परमात्मन आप, ठीक, और फिर तीसरे में हे परमात्मन आप, परमात्मन आप, चौथे में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है, और पांचवें में हे परमात्मन आप तुमको, और फिर अब छठे में हे परमात्मन आप, अब सातवें में गड़बड़ होगी इनके, मुश्किल होगी कि आगे तो भगवान को साकार लिखा है, अब सातवें में लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को, पुरुष को गड़बड़ करनी शुरू कर दी ना, अब आठवें में फिर लिख दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमेश्वर को। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। अब इन वेदों के अनुवादकर्ता महर्षि दानंद और उनके अनुयायी हैं। अब महर्षि दानंद के सिद्धांत को वो फाइनल मान के चल रहे हैं कि भगवान निराकार है और जो भी उसने लिखा है, जो भी मीनिंग दिए हैं उसको वो सत्य मानकर उसके आदेश आधार से चलते हैं। अब देखिएगा एक पुस्तक है महर्षि दानंद द्वारा लिखी, ये है ओम, ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत,
ये पुस्तक है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ये पुस्तक का नाम है। और ये कहाँ से छपी है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मैर सिद्धांत भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दिल्ली 2 है, नई दिल्ली 2 से। ये देखिएगा, इसके ये सृष्टि विद्या विषय संक्षिप्त, ये एक विषय है इसका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वही चल रही है। इसके प्रश्न नंबर 125 पे इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, देखिएगा नीचे। ये लिखा है यत पुरुष, और इसका अर्थ लिखा है पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया, पुरुष माने परमेश्वर, पुरुष उसको कहते हैं, दानंद की लिखी हुई है, अनुवाद किया हुआ है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, यानी सर्वशक्तिमान, ये भी सुना ना ईश्वर का विराधा ना परमेश्वर का, फिर भी जो इनके अनुयायियों को ये मान्य है कि दानंद ने जो कहा वो साची है, यानी पुरुष माने परमेश्वर। तो अब फिर पढ़ेंगे इसको, अब सिद्ध हो गया कि पुरुष माने परमेश्वर। अब हम यहाँ जहाँ पर इन्होंने गड़बड़ीकरण की सोची है भी इसको इससे क्लियर कर लेंगे कि जहाँ पुरुष लिखा है वो परमेश्वर है, भगवान जो सर्वशक्तिमान का आता है वो उसको पुरुष कहते हैं। तो ये देखिए, अब हम वही आगे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का और मंत्र नंबर 6 तक तो ये परमात्मा लिखे गए, और सातवें में जब लागी लवाबात भगवान की साकार की सह शरीर की, वहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, क्यों सोचे को व्यक्ति के बारे में बात होगी, पुरुष माने उस परमात्मा को। अब देखो आठवें में कमाल कर दिया, उस पुरुष को यानी उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, ये बताएंगे आपको सृष्टि रचना में कि सब बहुविध जीवन कीन पुकारा, तपशिला पर जल रहे थे जब हाहाकार मच रहा था, भगवान वहाँ उनकी उन परिस्थितियों को देखकर वहाँ आए अपना ज्ञान समझाने के लिए। तो उस परमेश्वर को पुरुष माने परमेश्वर से धो गया, उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती हैं जैसे ही हाहाकार मच रहा, कुछ जीवन नहीं रहा प्राणी का, एक माया जोड़ने का उद्देश्य बन गया। तो उस समय में परमात्मा या स्वयं आते हैं या अपना दास कोई भेजते हैं अपनी पावर दे करके, तो उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं जब परमात्मा स्वयं आते हैं, उस समय का जिक्र है। और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है, पुरुष माने परमात्मा, क्लियर हो गया। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का आगे हम पढ़ रहे हैं, और जिसमें तीन प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है, मधुमेह यानी बड़ा प्यारा शरीर मिलता है, वो तीन प्रकार के शरीर से सबका सब व्यवस्था को संभालता है, ये भी क्लियर हो गया। फिर उसमें से दूसरी प्रकार की जो लीला हो यहाँ लिखी है कि अभी अदन्या उत्सरंती धेनुव शिशुम सोम इंद्राय पातवे, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यू पुरुष उड़ा दिया यहाँ पर, अमर पुरुष लिखना था, सोम माने उस चंद्रमा के से शीतल स्वभाव वाले भगवान अमर पुरुष को, और पुरुष माने यहाँ पर परमेश्वर समझो, उस सोम स्वभाव वाले परमेश्वर को जो शिशु रूप में शिशुम, ये शिशुम मूल पाठ में शिशुम लिखा है, शिशुम कुमार अवस्था में ही यानी जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको सांड ने टच ना किया हो, कुमारी अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से पूर्ण रूपेण अधन्या, जो सांड के द्वारा कभी सथाई ना गई हो, तो इस कहने का भाव कि कुमारी गायें गौवें देनव गौवें तृप्त करती हैं, उनकी परवरिश की लीला इन कुमारी गायों के द्वारा होती है जब परमात्मा सी स्वरूप धारण करके आते हैं। ये तो बता दिया वेदों ने, और चारों वेदों में इसका रह रहकर प्रकरण है, बहुत कई कई प्रसंग है इसके। अब इसमें विशेष कंसेप्ट क्लियर है इसलिए एक ही दिखाते हैं, समय आने पर फिर और दिखाया करेंगे। अब वो सूक्ष्म वेद में लिखा है उस परमेश्वर ने जो लीला की थी आज से 600 वर्ष पहले, और उस समय क्या हुआ था
ये देखिएगा, ये सूक्ष्म वेद है, इसमें दिखाते हैं आपको कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए, वहाँ पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि साक्षी हैं इस बात के कि कोई ऊपर से तेज का गोला आया और उसने देखा ऊपर, वो नहा धोकर सुबह सुबह वक्त से उस तालाब पर एकांत स्थान पर प्राकृतिक शांति के अंदर बैठकर अपना साधना करने की चेष्टा कर रहा था। एकदम आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया, उसने देखा ध्यान से आंखें बंद होगी, जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं, देख नहीं सकते, आंखें बंद होती हैं, फिर भी उसमें सूर्य का जो आकार है वो दिखाई देता रहता, रह रहकर ऐसा अंदर हमारे फीड हो जाता है प्रतिबिंब। महर्षि अष्टानंद जी जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसने जो उधर देखा वो सहन नहीं कर सका उस तेज को, आंखें बंद हुई तो उसमें क्या देखा, एक नवजात शिशु बालक का रूप दिखाई दे रहा ऊपर से आ रहा है। दोबारा देखता है आंखें खोल कर, क्या देखा कि वो प्रकाश एक कोने में लहर तारा तालाब में उसी में सिमट जाता है। वो उठकर चला जाता, अपने गुरु जी से प्रश्न करता है कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो रामानंद जी कहते हैं कि बेटा ये कोई अवतार गण आते हैं ऊपर से, तब ये तारा सा टूटा करता है, कोई ऊपर से अवतार आए हैं और यहाँ किसी कोई देव आया होगा, किसी माँ से गर्भ लेगा और यहाँ अपनी लीला करेगा। तो इनको तो इतना ही पता है कि इनके भगवान माँ से ही जन्म लेते हैं और वो स्वयंभू परमात्मा है, स्वयंभू, उसका कोई जन्म दात करने वाला नहीं, स्वयंभू स्वयं प्रगट है, स्वयं ही वो प्रगट है, कोई उसका जन्मदाता नहीं है। उधर से नीरू नीमा नाम के दो दंपति थे जुलाहे, वो स्नान करने के लिए वहाँ जाया करते थे। वो पहले ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया था। वो भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन वो अपने आत्मा से भगवान शंकर को नहीं निकाल पाए थे, उन्हीं की अंदर से उसी की आराधना करते रहे। उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि हे भगवान शिव जी, क्या हमारे लिए, उसकी पत्नी ने कहा क्या आपकी दासी के लिए आपके घर पर बच्चों की कमी पड़ गई, हमें भी एक खिलौना दे देते, हमारा भी जीवन आधार बन जाता। ऐसे करते हुए लहर तारा तालाब पर पहुंचे, वहां क्या देखा, नवजात शिशु कमल के फूल पर पाया, घर ले आए। 25 दिन के हो गए, ना जल पीवे ना दूध पीवे, और फले फूले ऐसे जैसे किलो दूध पीता हो बच्चा डेली, और स्वस्थ इतने। अब उसकी जो मुंह बोली माता नीमा, वह बहुत दुखी होगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी, हे भगवान शिव जी, आपने या तो सुनना नहीं था या तो ये देना नहीं था, अब दे कर ले रहे हो भगवान, अब मैं नहीं जीऊँगी इस बालक बिना, ना जाने इस बच्चे ने मेरे पर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। 25 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, अब ये मरेगा साथ मरूंगी मैं, पक्का इरादा। तब परमात्मा ने प्रेरणा की शिव भगवान को, करय करावे साईं मन में लहर उठा, शिव जी एक साधु रूप बनाकर वहाँ प्रकट हो गए, क्योंकि वो शिव जी को याद करके रो रही थी। तो पूछा माई क्या बात है, क्यों रो रही है, सारी कथा बताई, सारी कहानी बताई कि एक दिन हृदय से पुकार की थी, 60 वर्ष की आयु होगी, संतान नहीं थी, एक दिन प्रार्थना की थी अपने शिव भगवान से, उन्होंने हमारी सुनी, एक लहर तारा तालाब के ऊपर कमल के फूल पर ये बालक दे दिया। अब ये बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, 25 दिन का हो गया महात्मा जी, अब ये मरने वाला है, गेल में मरूंगी, इसके साथ मरूंगी, दरिया में डूब के, ये मेरा अटल इरादा है। तब उसने कहा माई देखा तेरे बच्चे को कहाँ है, वो लाई उठा के। माई ने सोचा महाराज के चरणों में डाल देती हूँ, जो ही उसने चरणों में डालना चाहा परमात्मा आकाश में उड़ गए और शिव जी के सिर के पैरेलल आकर के यहाँ ऐसे आकाश में हवा में स्थिर हो गए। तब शिव जी ने ऐसे किया, शिव जी के हाथों में आ गए। फिर परमात्मा बोले कि इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे और उसके ऊपर आप हाथ रख दियो महात्मा जी, वह दूध दिया करेगी, वह दूध पीऊँगा मैं। 7 बार बोले बच्चे, 7 बार चर्चा करी विष्णु परमात्मा ने शिव जी से, और वो देख रही, नीमा भी नीरू भी आ गया। नीमा देख रही है, वो ये सोच रही है कि इस महात्मा में इसी करामात है, मेरा बेटा आकाश में उड़ा दिया,
इसी महात्मा में ये करामात है, यूँ बोल रहे बच्चा 25 दिन का। अब कहते हैं जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा, वो सारी करामात उस साधु की मान रही है। जैसा भी आदेश था, शंकर भगवान ने कहा कि नीरू जा एक कुमारी गाय ले और कोरा बर्तन ला कुमार के इतना साफ छोटा सा वो ले आया। भगवान शिव जी ने उस पर कमरपात मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध अपने आप सर्वित हो गया, थनों में से निकलना धार बंद की। वो साफ पात्र जो लाए थे कुमार के घर से वो नीचे रख दिया, पात्र भरते ही बंद हो गया। तब परमात्मा को दूध पिला गया, गट गट पी गए। अब ये लीला भगवान करता है, वेद बताते हैं और करी भगवान के इतिहास बताता, उनकी लीला बताती है कि उन्होंने ऐसा किया, तो परमात्मा कौन फिर? वेद बताते हैं कि कुंवारी गायों का दूध पीता है, और पिया किसने? कृष्ण तो लागड़ गांव रखा करता, दो से चार से ये थे, इन्होंने पिया कुंवारी गाय का पिया, इनकी जीवनी में लिखा हुआ ये दिखाते हैं आप। ये है कबीर सागर, ये परमात्मा की लीला लिखी है इसके अंदर। ये पांचवा वेद है, सूक्ष्म वेद, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये वहाँ से प्रकाशित है। यहाँ प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, यानी कबीर पंथियों का लिखा हुआ, दास ने अपनी तरफ से नहीं लिखा कुछ भी इसमें किसी में। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई, इतने। अब इस पे लिखा है ज्ञान सागर में, ये देखिएगा ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे, ये 74 पृष्ठ है। इसमें कहते हैं सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जैसे रात में चकोर पक्षी ने चांद दिख जा, कहते ऐसे बच्चा मिला तो इतनी खुशी हुई। ले सुत चले हर्ष मन की ना, तासो पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखने ते आम, अन पानी भक्ष नहीं जुल्हा शोक जनाव। अब कुछ नहीं खावे बालक लेकर आएगे, तब जो लामन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। जैसे कोई बच्चे गड़बड़ हो जाए तो साधु संतों के पास जाके पूछते हैं, हमारा बच्चा वो दूध नहीं पीता, कारण बताओ भगवान महाराज जी। तो मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखैर नहीं संता। रामानंद से कहा कि महाराज जी हमारे बेटा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, एक बालक मिला है मुझे कमल के फूल पर। रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तुम ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली भांति। कुछ तुम सेवा हरि की चूका, ता तो भय जुल्हो का रूपा, प्रीति प्रभु गई तो लीना, ताते उद्धान में सुत तो दीना। तेरी प्रीति को सुनकर भगवान ने जंगल में तुझे पुत्र दिया। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। अब नीरू कह रहा है कि मेरे साथ जो बनी सो बनी, पर ये बोर दुख हो गया। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सु दावंत कुछ खाई। भूखा बेटा बच्चा कुछ खावे, ऐसा व्यवस्था करो। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तुम्हारा पुत्र जो है कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, अर सो ले ठाड करो ते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ना लग गया हो, यानी अनटच्ड कुंवारी गायें बछिया ले आओ, और दूध चले ते ही थन ते दूध धरो छिपाई। अक्षुतावंत जब होवे ता कहें देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब ये है ना चला दूत, ये दूत कौन था? ये भगवान शंकर थे। अब इसकी पुष्टि पुण्यात्मा कबीर सागर परमेश्वर का विधान पांचवा वेद और उनकी जीवनी है इसमें। उस परमेश्वर ने आज की जो ये पिछली पीढ़ी की पहले जानकारी दी थी, और उसमें क्या कहा था, काल की और परमात्मा की तपतशिला के ऊपर वार्ता हुई थी। तो काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे
तब तब शरण जीव बहु जावे, और ऐसा वचन हर मोय दीजे तब गमन संसार ही कीजे। तो परमात्मा से कहा था कि तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना, भगवान आप आए हो यहाँ जीव लेने के लिए, और चौथे युग कलयुग में कितने ही ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। एक वचन और लिया था भगवान से कि परमात्मा जो आपका ज्ञान माने आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे नकली ज्ञान पर, तो मेरा उसको ना ले जाना। परमात्मा बोले वो तुम्हारे काम का को नहीं। तो जब सारी परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, जब काल ने कहा था कि बेशक जा नीचे, तेरी कोई नहीं मानेगा, कलयुग में ऐसा कर दूंगा, नरे पंथ नरे मजहब बना दूंगा बहुत बहुत, और 12 नकली पंथ तेरे नाम ते, कबीर पंथ सतलोक सचखंड और अनेक पंथ में चलाऊं, इस जीवों को भरमाऊं, और देवल देव मंदिर पुजवाऊं, और या विद जीवों को भरमाऊं, जीव न माने कहा तुम्हारा, और बेसिक जा तू ज्ञानी संसारा, फिर तुम्हारा जीव कहानी मानेंगे। अब 12 पंथ चला दूंगा, कबीर कबीर पंथी ये नरेज, ये सारे 12 पंथों में आते नकलियों में, और पंथ अनेक चलाऊं, ये ब्रादा स्वामी पंथ, ये अनेक पंथा में आगे, ये सब काल प्रेरणा काल के चलाए हुए पंथ है। तो इन्हीं की थोड़ी सी यहाँ एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जो इस कबीर सागर में कबीर पंथियों ने अज्ञानतावश कुछ कटिंग कर दी, कुछ मिलावट कर दी, अपने अनुसार थोड़ा बहुत इन्होंने गड़बड़ की है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। इस मालिक को पता था कि 600 साल में कुछ गड़बड़ी काल करवा देगा, काल के दूत कबीर पंथी होंगे, फिर उसकी पूर्ति के लिए कहा था उसी समय कि जो बर्मा पंथ होगा ना गरीबदास जी वाला, उसमें मेरी उसके द्वारा, क्योंकि पंथ चलेगा परमात्मा का, जैसे पंथ चले थे वो तो चले थे उनके खास पुण्यात्मा थे, लेकिन उसमें आगे फिर काल के दूत घुसते चले गए, तो बर्मा पंथ जो गरीबदास जी का होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, और वो जो मिलावट कर दी गई है या कोई जिसका जिसी समझ में आई उसने काट कर अपने हिसाब से लिख ली कुछ एक स्थानों पर, सारी नहीं, तो उसकी पूर्ति उस वाणी से होगी जो गरीब दास जी बोलेगा, और वो ऐसा ही है। पहले ये दिखाते हैं कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। अब देखिएगा ये वही कबीर सागर है, ये देखिएगा कबीर वाणी, एक अध्याय है इसमें कबीर वाणी, और ये 136 पृष्ठ पे है ये। अब नीचे देखेगा द्वादश पंथ चलो सो भेद, यानी द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान, काल का आदेश, उसका ज्ञान भरा रहेगा, और इन 12 पंथों में जो नाम ले रखा है कबीर पंथों में, ये कभी ठिकाने नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूरामणि शाखा, यहाँ ठीक लिखा कि वन समारा चूरामणि शाखा, प्रथम जग में जागू बरमावे, और दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, पांचवा बीजक पंथ, और छठा ये सतनामी पंथ, और सातवा ये जीवा पंथ, ये राम कबीर पंथ, इस तरह के 12 पंथ। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इन्होंने यहाँ चूड़ामणि लगा दिया, यहाँ चूड़ामणि को वंश से बाहर कर दिया, प्रथम ये लिखना था, ये प्रथम वंश है, ये प्रथम वंश चूड़ामणि और आगे शाखा। अब इसका यहाँ भेद चलेगा, ये है कबीर चरित्र बोध, और इसके ये 1870 पृष्ठ पे, 1870 पे यहाँ देखिएगा कबीर साहेब के पंथों का वृत्तांत। नंबर एक है नारायण दास का पंथ, यहाँ इन्होंने ये नारायण दास पंथ गलत लिख दिया, क्योंकि नारायण दास तो कति कबीर से विमुख, कबीर जी से विमुख था, उसने तो ये स्वीकार ही नहीं किया था। यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, और दूसरा याग्गोदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, और छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी सातवा, आठवा कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ, कमालिये, ये कमालिये लिखना था, राम कबीर पंथ नौवां, परमधाम की वाणी दसवां, और ग्यारहवां जीवा पंथ, और बारहवां गरीबदास पंथ। ये गरीबदास छुड़ानी वाले उनका बारहवां पंथ है ये।